हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैक एंड गो। सो राइट नाउ, जैसे कि आज हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ और चढ़ाई बहुत है, बाकी हम तो बाइक लेके आए। अगर आप पैदल भी आना चाहो तो ये पैदल का रूट भी है। ये है नाहरगढ़ के रास्ते। ये बहुत ही सकड़े और खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते होते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट को बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है और उस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ परेशानियों का सामना करना। और यहाँ पर है 52 मोड़। गाड़ी की तो सही वाली बैंड बज जाती है यहाँ चढ़ते चढ़ते। अभी गाड़ी आएगी, देखना। ये बना हुआ है राउंड पानी का टाका, जो पहाड़ों का पानी, जब बरसात के डैम पे जब पहाड़ों का पानी आता था तो वो इसी टर्नल में से होता हुआ और इसी जाली में से होता हुआ आता था। कचरा सारा यहीं रुक जाता था, वो साफ पानी आगे इस बावड़ी में चला जाता था। और जैसे कि आप लोग वो सामने देख रहे हैं, वहाँ पे एक रंग दे बसंती मूवी का सॉन्ग भी शूट किया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे बरसात का पानी ही भरा हुआ है। अब हम लोग आ चुके हैं सनराइज पॉइंट। यह है नाहरगढ़ फोर्ट एंट्री गेट। और जैसा कि अभी आप लोगों ने जो देखा, ये है डुप्लीकेट शीश महल और इसमें एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है और इसमें बच्चों के लिए बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें भी है। और अगर आप लोग इसमें जाना चाहते हो तो इसमें पर मेंबर चार्जेस है 500 रुपीज़।
अब हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ महल के अंदर और यहाँ पर बहुत तेज ठंड पड़ रही है, तो चलते हैं और देखते हैं आगे क्या सीन है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर, तो और हम चलते हैं, मैं आप लोगों को पूरा विजिट करवाता हूं अंदर से। आप लोगों को दिखाते हैं अगला रूम, एक मिनट। और ये है चिमनी जहां पर आग जला करती थी। और ये है यहाँ का मेन व्यू, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी भी की गई है, पेंटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी की गई है यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं अगले रूम में और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अगला रूम कैसा है राजा का, तो आ जाओ। एक ये रूम है, लेकिन पर ये रूम थोड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, राजा एडजस्ट कर लेगा। था राजा दूसरी मंजिल पे आने वाली टर्नल। सो अब हम लोग जाएंगे इसके टेरिस पर।
सो अब हम लोग आ चुके हैं टेरिस पर नाहरगढ़ फोर्ट के। आ चुके हैं इसकी पूरी हाइट पर और हम चलते हैं और मैं आप लोगों को इसके और रूम भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। और ये हमारे शेर सिंह नीचे उतरते हुए और साथ ही आपको दिखाएंगे नीचे का व्यू। आदित्य के द्वारा ये हमें बनवाया था और उसी का ये नजरिया आप देख रहे हैं, हमें वो नहीं है आपको ये नजरिया ना मिलता। जा रहे हैं बाहर और हमें आपने ये एग्जिट गेट जिस तरह से हमने एंट्री करी थी उसी गेट से हम एग्जिट करेंगे। ये है बैलेंसिंग बाइक जो कि यहाँ पर चलाई जाती है, इसका अलग चार्जेस है। तो हम अब जा रहे हैं काली बुर्ज। आप लोग काली बुर्ज जाओ तो ध्यान से आना, मतलब यहाँ पर बहुत सारे नुकीले पत्थर और बहुत सारे झाड़ी वगैरह हैं, तो थोड़ा संभल के। ये है काली बुर्ज जो कि व्हाइट पत्थरों से बनाई गई है, ये राउंड में है और ऐसे दो और बने हुए हैं आगे, मतलब यहाँ पे सिपाही खड़े होके और नीचे निगरानी रखते थे और यहाँ से मतलब सिपाही वगैरह देखते थे और निगरानी रखा करते थे यहाँ से। और इस जगह से लगाई जाती थी बंदूक, अगर कोई ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था तो यहाँ से गर्म तेल को और गर्म पानी को यहाँ से डालकर और उसको गिराया जाता था नीचे।